मैं हरी कृष्णा, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको लाया हूँ यहाँ पे, यहाँ ग्राम पैंदावा, जिला कन्नौज, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे है बेला की खेती बहुत बड़े पैमाने पे की जाती है। हालांकि यहाँ बेला के अलावा अदर भी बहुत सारी क्रापें की जाती हैं, जिस फ्लोरिकल्चर की, जिसे फूलों की खेती होती है, जैसे बेला है, गुलाब है, मेहंदी है और गेंदा है। और ये जो है गर्मी का समय है, आज हम चर्चा करेंगे बेला की खेती। तो चर्चा करेंगे कि बेला का है जो है क्या महत्व है, इससे क्या इसका महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, और इसके जो है इसमें क्या क्या मतलब इसका महत्व है, और इसके खेती के बारे में कुछ जानेंगे महत्व, और इसके बारे में फसल किसान इसको कैसे उगाते हैं। तो ये इस समय यहाँ के एरिया में ये जो है मई में शुरू होता है, मोस्टली ये अप्रैल से और अगस्त तक चलता है, और ये मई का महीना चल रहा है। इस समय बेला की खेती जो है अच्छा उत्पादन चल रहा है, अच्छा आपको पौधे में कली भी अच्छा दिख रही है। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि बेला में का इसका थोड़ा परिचय देंगे बेला के बारे में। तो बेला का परिचय के बारे में बताते हैं। बेला का जो है अगर नाम की बात करें तो हिंदी में इसको बेला कहते हैं, अगर अंग्रेजी की बात की जाए तो इसको जसमाइन बोलते हैं, और अगर इसके वनस्पतिक नाम की बात करें तो इसका नाम है जस्मिनम सम्वेग। वैसे तो भारत में इसकी बहुत सारी प्रजातियां, 80 से लगभग ज़्यादा प्रजातियां उगाई जाती हैं। अगर विश्व की बात करें तो विश्व में लगभग इसकी 200 से अधिक प्रजातियां उगाई जाती हैं। भारत में जो है व्यापारिक तौर पर, कमर्शियल स्तर पर इसका उत्पादन जो बेला का किया जाता है, इसकी 3 स्पीसीज हैं, जैस्मिनम सम्वेग, जैस्मिनम आरिकुलेटम और जैस्मिनम ग्रैंडिफ्लोरम। तो यहाँ पे जो किया जाता है जैस्मिनम सम्वेग वैरायटी की जाती है, और इसकी कुल की यानी कि फैमिली की बात की जाए तो इसका फैमिली जो है ओलियोसी फैमिली का आता है। ये आपको दिख रहा है, ये बेला का प्लांट है, और इसकी हाइट जब लगभग इसकी ऊंचाई जो है 1 से 1.5 मीटर की होती है, और ये झाड़ीनुमा पौधा होता है। ये झाड़ीनुमा पौधा आता है, इसका लगभग फेरी जो इसकी व्यास की बात की जाए तो 1 से 1.5 मीटर इसका व्यास है, और इसकी ऊंचाई जो है 1 से 1.5 मीटर होती है। तो इसके अगर इसमें किसान किस तरीके से क्या क्या करते हैं उसका अगर उसके बारे में बताया जाए तो इसमें जो है एक तो इसका महत्व के बारे में सबसे पहले जानते हैं। इसका महत्व क्या है यहाँ पे जो है इसका उत्पादन, यहाँ का जो मेन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब इसका उद्देश्य यहाँ पे क्या है कि उत्पादन करके किसान यहाँ पे गांव में जो थोक विक्रेता हैं उनके पास तुलवा देते हैं, और उसके बाद में ये कन्नौज में फैक्ट्रियाँ लगी हैं, उससे जो है सेंट इत्र अतर बनाया जाता है, और उसको यहाँ देश में विदेश में इसका जो है एक्सपोर्ट किया जाता है, यानी कि मार्केटिंग की जाती है। और उसके बाद में और यहाँ इसका जो है शादियों में उसके माला बनाने के काम में, और इसका गुलदस्ता बनाने के काम में, सजावट के काम में इसके में, और मंदिरों में जो है इसका भी, इसमें भी फूलों की खपत होती है, और इसमें बहुत अच्छी सुगंध आती है बेला में। जैसे शाम होता है फूल खिलता है और आपको बहुत अच्छी सुगंध का अनुभव होने लगता है अगर इसके फील्ड में आप आ जाते हैं तो। और इसके बाद में बेला को मतलब फूलों की सुगंध की रानी भी कहते हैं, क्योंकि इसकी सुगंध इतनी प्यारी और अच्छी होती है। अगर आपको आदमी टेंशन में हो तो इसकी अगर सूंघता है तो उसकी टेंशन खत्म हो जाती है। और इसके बाद में आगे चलते हैं आपको लेके कि लोग बेला कैसे बीनते हैं, तो आइए आपको दिखाते हैं कि लोग जो है बेला की तुलाई कैसे की जाती है। ये जो है बेला तोड़ने वाले लोग हैं, यहाँ पे बच्चों का बहुत महत्व है यहाँ, क्योंकि ये बेला की हाइट जो हमने बताया लगभग 0.5 मीटर से 1 मीटर तक, तो बच्चे छोटे छोटे उनको क्योंकि धूप में, इस समय मई का महीना है, बहुत भयंकर धूप है रहती है, दोपहर से तोड़ा जाता है शाम तक, तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, मतलब वो उनका बहुत यूटिलाइजेशन यहाँ पे हो जाता है, बच्चे तोड़ते हैं अच्छे से। ये देखो जोरी बांधे हैं और ये फूल तोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है बहुत गर्मी का काम है, बहुत वैसा काम है। और ये भी आपको बताते हैं कि इसका तैयार कैसे किया जाता है। इसकी लगभग अगस्त के महीने में, अगस्त सितंबर के महीने में इसकी लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर की हार्डवुड, सेमी हार्डवुड कटिंग, जिसको मतलब हिंदी में अगर कहें तो इसकी कलिका जो है उसकी स्टेम काट के तना लगाया जाता है, और बरसात में लगा दिया जाता है, 1 साल बाद उसका पौधा लगाने योग्य हो जाता है। और गर्मी में जून के महीने में लगभग इसकी गड्ढे की खुदाई करते हैं, गड्ढे की खुदाई लगभग करते हैं 50 सेंटीमीटर गहराई पे, और लगभग 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर के आकार का गड्ढा करते हैं, उसमें जो है गोबर की खाद भरते हैं, यूरिया डीएपी कुछ लगभग 50 ग्राम 100-150 ग्राम डालते हैं, और उसके बाद में मिला के अच्छे से पौधे को लगा देते हैं, और पौधे उसके बाद में उसकी समय से निराई गुड़ाई सिंचाई करते रहते हैं, 1 साल बाद जो है वो हमारा उत्पादन देता है, देने लगता है, उसके बाद उसका हर साल कंटिन्यू चलता रहता है।
तो इस तरीके से बेला का उत्पादन किया जाता है। लेकिन हाँ, बेला में थोड़ा टेक्निकल और मेहनती काम है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि बेला की कली जो है बहुत छोटी छोटी होती है, और इसको पहचानना बहुत टेक्निकल काम है। ये सब आदमी नहीं कर सकता है, जो इसको जानता है वही कर सकता है। क्योंकि इसमें जो कच्ची कली होती है, आप कैमरा जूम करिएगा, इधर लाइएगा कैमरा मैन, ये जो है बहुत छोटी छोटी कली है, ये आपको दिख रही होगी, ये बहुत छोटी छोटी कली है। और इसमें जो है, इसका जो कली जो पक जाती है, जिसको तोड़ते हैं, ये इस साइज में हो जाती है। इसके कलर में डिफरेंस होता है थोड़ा साइज में, मतलब इसका थोड़ा साइज बढ़ जाता है और उसका साइज थोड़ा छोटा रहता है। जो कच्ची होती है, जिसको मतलब नहीं तोड़ते हैं, वो थोड़ा पीले कलर की होती है, और जो सफ़ेद हो जाती है उसको तोड़ लेते हैं। उसके बाद में इसको मार्केट में ले जाते हैं, मार्केट में जो है उसका डिस्टिलेशन मेथड से इसका यहाँ पे कन्नौज में उसका सेंट इत्र निकाला जाता है, उसके बाद में उसकी मार्केटिंग हो जाती है। तो इसके बाद में बात करेंगे कि ये जो है, यहाँ पे किसानों की ये थोड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे इसका उत्पादन तो बहुत अच्छे से हो जाती है, मेहनत भी करते हैं, लेकिन किसानों को उसका दाम नहीं मिल पाता है। क्योंकि इस समय जो है कोरोना की प्रॉब्लम चल रही है, कोरोना की समस्या चल रही है, इस समय जो है इसका दाम बहुत कम है, जो दाम होना चाहिए वो नहीं है। किसान उत्पादन तो बहुत अच्छा मेहनत करते हैं, दोपहर में बहुत बहुत धूप में इसको मतलब लग के काम करते हैं, लेकिन जो है उनका उत्पादन उतना नहीं मिल पाता है, उतना दाम अच्छा नहीं मिल पाता है। तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है।